आमिर, शाहरुख, सलमान सबसे आगे निकल गए ये एक्टर, तोड़ दिया तीनों खान का ये रिकॉर्ड। नमस्कार, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का डंका बजता है। इनकी आने वाली फिल्मों में फैंस बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही इनकी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होती है, 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा यूं ही पार कर जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही एक्टर बॉक्स ऑफिस किंग हैं और साथ ही इनकी लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ और 200 करोड़ का कलेक्शन करती हैं। इनकी फिल्मों को फैंस काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिल्में पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। नंबर 4, सलमान खान। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर सलमान खान बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाते हैं। इनकी लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करती हैं। इनकी फिल्मों को फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिल्मों की कहानी कैसी भी हो पहले दिन धाकड़ कमाई करती है। और इस साल रिलीज हुई इनकी फिल्म भारत 42.30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इतना ज्यादा कमाई करने वाले ये फिल्म इनके करियर की पहली फिल्म है। नंबर 3, शाहरुख खान। बॉक्स ऑफिस के किंग शाहरुख खान भी काफी ज्यादा मशहूर सुपरस्टार हैं। इनके करियर के पहले दिन सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर है, जो साल 2014 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 44.97 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 2, आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान जो भी फिल्म करते हैं वह बॉक्स ऑफिस पर अक्सर ब्लॉकबस्टर होती हैं। इनकी सभी फिल्में कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी फिल्मों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इसी वजह से 2018 में रिलीज हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 52.25 करोड़ की ओपनिंग की थी। नंबर 1, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड में ऋतिक रोशन का भी अब काफी ज्यादा दबदबा रहता है और ये अपने बेहतरीन एक्टिंग की वजह से दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसी वजह से इस साल इनकी फिल्म वॉर ने अपने पहले ही दिन 53.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ ऋतिक रोशन, सलमान खान की फिल्म भारत, शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टॉप पर पहुंच गए हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऋतिक रोशन अभी साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किए थे और अब तक इनकी कुल 25 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं। और ये इतनी जल्दी इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार बन जाएंगे किसी को उम्मीद भी नहीं थी।